हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीके स्टडी नंबर वन पे। तो आइए देखिए, इस प्रकार का जब क्वेश्चन रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि 43 का 8.1 का है चैप्टर है त्रिकोणमिति। क्या है त्रिकोणमिति? आठ पॉइंट वन का है चैप्टर में 43 नंबर, 43 का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 1/2 तो सिद्ध करना है, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है ना। तो सिद्ध करने में सभी कोई मतलब बच्चे नहीं बना पाते हैं, और कोई बच्चे बना लेते हैं तो बोलते हैं बहुत भारी है ना। तो भारी इस तरह के क्वेश्चन देख के भारी नहीं समझना है, बहुत हल्का सा है ना। तो चलिए हम इसे हम सॉल्व करते हैं, आपको हम बता देते हैं कि ये कितना हल्का है ना। तो मेरे वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, ताकि अंत तक देखें, ताकि पूरी तरह से आपको समझ में आए। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को शुरू। तो यहाँ क्या है कि साइन बी बराबर दिया हुआ है 1/2, तो 1/2 दिया हुआ है, तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, पी बटे एच। पी बटे एच जब दिया गया है तो निकालना है हमें बी। तो बी निकालिएगा तो बी बराबर सूत्र होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर सूत्र हो जाएगा √2 का स्क्वायर घटा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ इस तरह से कर लेंगे कि 2 दुनी 4 और 1 कम 1 हो जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा √3। √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, उतने ही रख लेंगे ठीक है। तो इतना करने के बाद हमें इतना से हम चलना है। यहाँ देख लो कि इसलिए कोस बी बराबर, सॉरी यहाँ क्या है कि -4 cos³ बी बराबर 0। तो हमें चलना है LHS से। क्या चीज से? LHS से चलेंगे। RHS आपका मतलब मेरा 0 आ जाएगा तो प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं LHS से। LHS मतलब cos B बराबर सूत्र क्या होता है, B बटे H घटा cos इंटू B बटे, इसमें भी रख देंगे B बटे H का होल स्क्वायर, होल क्यू है ठीक है। तो पावर 3 रख लेंगे, इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ 3 है, 3 गुना b मेरा कितना दिया है, b मेरा निकला √3। √3 बटे h 2 रख देंगे। 4 गुना कर लेंगे कितना दिया हुआ है, b मेरा दिया √3 निकला बटे 2 का होल क्यूब कर लेंगे, होल क्यूब कर लिए। इतना के बाद हमें मालूम चलेगा कि √3 बटे 2 और घटा, अब यहाँ कर लेंगे 4 और √3 गुना √3 मतलब 2 बार गुना करेंगे तो आपका 3 होगा, 3 बार गुना करेंगे तो 3 गुना √3 तो 3√3 होगा। चलिए समझ में आ गया। तो 3√3 बटे, अब यहाँ 2 करेंगे 3 बार गुना, यानी कि 2 गुना 3 नहीं कीजिएगा ना तो गलत हो जाएगा। 3 बार गुना करना है, 2 गुना 2 गुना 2 तो 2 दुनी 4 दुनी 8। क्या समझ में आ गया? चलिए 8 यहाँ लिखेंगे, 4 दुनी 8 होगा। 4 दुनी 8 जब लिख दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 3√3 बटे 2, और 3√3 घटा में है बटे 2 है ना। क्या दिख रहा है ना? चलिए इतना कर लेंगे। जब इतना हम कर लेंगे तो इतना करने के बाद जो ये प्लस में है ये माइनस में है ना। तो क्या बताया था ना कि प्लस माइनस घटता है और माइनस प्लस घटता है, तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा 0 आपका प्रूफ। क्या समझ में आ गया? तो इसे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,